9x plus 1. अच्छा आपने उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया, ये पहला वाला तो हमने सॉल्व कर लिया था, वो बस एक डिजिट मिसिंग थी, सो आई गेस दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1. ठीक है, तो एलसीएम लिया आपने दोनों का, कितना आया 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1. अब दोनों चूंकि अलग से हैं, देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई है बिकॉज देर इज नो कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर होता है तब फिर बात क्या हो जाती है, हम फिर उसको डिवाइड करके और फिर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब 2x माइनस 1 कट गया तो कितना आया 2x इंटू 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कट गया तो कितना आया 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1. आई बात समझ में, इतना ही आया आपका, मैं अभी चेक करते जाता हूँ. क्या चीज बेटा, आपने 2x-1 और 2x-1 ये सही लिखा है आपने, ये स्टेप तो सही लिखा है. कौन सा बोल रहे हैं आप, वो जो उसमें लिखा हुआ है 2x-2x-3x+1 फिर उसके बाद 2x-1 और 2x-1 से प्लस हो रहा तो कट जाएगा. नहीं प्लस नहीं है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. देखो देखो बॉडमास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो अभी तो ब्रैकेट तो नहीं बने, अभी दो ब्रैकेट है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में, तो एडिशन से पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन. आप किसका बोल रहे हो कट जाएंगे, कौन दोनों, नहीं मैं पूछ रहा हूं कैसे ये, तो से दोनों ऊपर नीचे ये और ये दोनों, हाँ ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, ये तो ये वाली स्टेप से मैंने ये निकाला है. ये है 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 का एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम आया 2x माइनस 1 3x प्लस 1. उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाय ये करते हैं, तो क्या हो गया 2x माइनस 1 कट गया तो आया कितना 3x प्लस 1. तो फिर हम उसको आप 3x प्लस 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक, तो आपने भी किया. नाउ वी अप्लाई दी आइडेंटिटी बिकॉज दीज आर दी सेम ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट होने के कारण हम दोनों को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट कैन बी लाइक दिस. ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1. आ रही बात समझ में, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, सो इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस होल स्क्वायर अपन करेंगे, इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1. इफ यू विश यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दी डिनोमिनेटर विथ ईच अदर, आपने किया होगा तो विल चेक इट. अब ये भी x स्क्वायर का टर्म है, ये x स्क्वायर का टर्म है, लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बेस्ड ऑन देयर साइन, दोनों में प्लस है, प्लस 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 होता है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10x स्क्वायर हो गया. x और x दोनों लाइक टर्म है, तो 2x और प्लस 2x और माइनस 4x तो माइनस 2x हो गया और प्लस 1 हो गया एंड डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1. बस ये आपका आंसर था, इफ यू विश यू कैन मल्टीप्लाई. तो आपका कितना आया है 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अगर आया 10, बिल्कुल सही है. ठीक है, और नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन डिनोमिनेटर, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1, सो इट विल गिव यू 6x स्क्वायर, लाइक टर्म्स ये दोनों हैं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, बिल्कुल सही है, सही है आपका आंसर. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, और इस थर्ड क्वेश्चन आपने जैसे डिनोट किया, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, क्योंकि माइनस का है. ठीक है, तो 13x प्लस 2 अपॉन में 12x प्लस प्लस 3, देखो 12x प्लस यहाँ पे x नहीं था शायद ना, ये वाला जो क्वेश्चन था 12 प्लस 3x था, आपने यहाँ पे जैसे 12x लिखा हुआ है, 12 यहाँ तो ठीक लिखा है 12 प्लस 3, बट यहाँ डिक्टेशन गलत किया हुआ है,
तो सॉल्व इसी के है ना 12 प्लस 3x से है ना, तो हम इसको ले लेते हैं 12 प्लस 3x, 12 प्लस 3x माइनस 12x को डिड हो गया प्लस 3x। अच्छा तो फिर आपने गड़बड़ी कर दी है ना, अब वो डिक्टेशन में गलत हो गया, इसको चेक कर लेते हैं, ये इसको छोड़ के थर्ड को छोड़ के फोर्थ को चेक कर लेते हैं, ठीक है, वी कैन मूव स्किप थर्ड क्वेश्चन, वी कैन चेक फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, 2x अपॉन में 3x माइनस 1 माइनस 7x अपॉन में 3x प्लस 1। थोड़ा सा आपका राइटिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब देखो मैंने y दिया था क्या फिफ्थ वाले में 12x प्लस, हाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ये इधर और ये इधर हो जाएगा और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये 9x स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ये कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 थ्री 21x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x। ये प्लस किया है या नहीं आपने, ये मुझे चेक करना है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये कितना हो गया, अब ये लाइक टर्म्स ये दोनों हैं तो 21 में से 6 जाएगी तो माइनस 15x स्क्वायर और प्लस 9x अपॉन में 9x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर है जो कि सही है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपने ब्रैकेट लगाया, मैंने आपको बता दिया था ब्रैकेट है तो आप माइनस साइन लगाएं, बिल्कुल सही जा रहा है। लेट मी चेक इट हियर सेल्फ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस, नीचे भी आइडेंटिटी लग जाएगी तो 3x स्क्वायर, तब ये कितना हो गया, ये फिर आइडेंटिटी लगाई आपने तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा। गड़बड़ आई ना बस, तो यहाँ तो आपने लास्ट में 9x स्क्वायर कर दे। देखो जब भी आप स्क्वायर करें तो ऑलवेज पुट होल स्क्वायर, होल स्क्वायर देखो क्या होता है, आपने जैसे यहाँ पर लिखा है सपोज इफ आई एम सॉल्विंग 3x माइनस 7 एंड 3x प्लस 7, अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है। अब a प्लस बी ए माइनस बी आने के कारण अब अगर मैं इसे लिखता हूँ लाइक दिस कि आपने क्या लिख दिया a माइनस बी ए प्लस बी को 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना लिख दिया 7 स्क्वायर। अब जब भी दो टर्म आएगी तो आप एक स्क्वायर नहीं लगाएंगे, आपको ब्रैकेट लगाना है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट क्या बताता है कि ये एक लौता तुम्हारा नहीं है मतलब स्क्वायर, ये स्क्वायर किसका है, ये हम दोनों का, हम दोनों मिलके शेयर कर रहे हैं इसे, ठीक है ना बात समझ। नहीं तो स्क्वायरिंग जब भी हम करेंगे तो पूरे नंबर का होगा एंड देन इट विल गिव यू, आपने लिखा बिल्कुल सही है बट आप ब्रैकेट्स की आदत डालो, ठीक है, और ऊपर वाली टर्म्स जो भी हैं वो आएगी। तो आई गेस यहाँ पे तो सब कुछ सही है, 36x स्क्वायर 24x 39x 7y माइनस, ये भी सही है, माइनस साइन के कारण आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 9x प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, सब कुछ ठीक है। यहाँ लाइक टर्म्स क्या आ रही है, 36x स्क्वायर, स्क्वायर का कोई साथी नहीं है, 36x स्क्वायर रहेगा, x का 84 है और एक माइनस 3 और माइनस 9 भी बिल्कुल सही है, प्लस 3 ओके, एक गलती आपने की, देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 7y, यहाँ तक प्लस 7y चल रहा है, यहाँ आके आपने क्या कर दिया उसको, है ना, समझ में आई ना बात, तो गलती पकड़ में आई, मतलब हम कुछ सब कुछ सही चल रहा है और लास्ट में आके क्या हो गया पता नहीं, हमारे माइंड को क्या हो गया और उसने प्लस को माइनस कर दिया। इट हैपेंड समटाइम्स, जब भी कोई चीज़ एकदम से दूसरे दिमाग में आ जाती है तो मैथ्स में फिर गड़बड़ हो जाती है, तो उसको आप क्या कर लेना, ध्यान रखना, मतलब ये सब चीज़ें कैसे आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी, कोई बात नहीं, अभी जो हो गया तो आज का ये अपन समझ गए हैं। अब मैं थोड़ा आपको रूट के क्वेश्चन बता देता हूँ, रूट में बहुत प्रॉब्लम आती होगी आपको जैसे, है ना, तो बैठिए मैं रूट्स के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो मैथ बेसिक में हम क्या देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं, ये आप ले लीजिए, तो देखो रूट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज आएगा आपको टेंथ में रूट, ठीक है। तो सबसे पहले रूट के बेसिक रूल होते हैं, जैसे अगर मैंने कहा रूट टू, तो रूट टू का मतलब क्या होता है, टू की पावर वन बाय, रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर में क्या लगाते हैं, वन बाय टू इन पावर,
और कई बार आपने देखा होगा ये इसके अंदर घुसा होता है 3, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्यूब रूट होता है, इसको बोलते हैं 1/3। सिमिलरली अगर रूट के अंदर घुसा होता है 4, तो ये क्या हो गया, उसकी पावर में कितना हो गया, 1/4। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए कहता हूँ कि भाई 2 की पावर सॉरी कि आप सॉल्व करके बताइए, 2 नहीं 16 की पावर 1/4 का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, बिकॉज 16 को आपने लिखा 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 1/4। पावर की पावर होती है तो दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ये क्या हो गया, कट के आपको कितना हो गया, 2 मिला। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई 36 अगर आप इसका आंसर निकालें रूट ओवर 36 का, जो कि आपको पता है डायरेक्ट कितना होता है, ये होता है 6। इसको आप ठीक दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 36 की पावर कितना हो गया, 1/2। अब 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और कितना, 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर से, एंड 2 एंड 2 विल बी कैंसल आउट एंड विल गिव यू 6। ठीक उसी तरीके से अगर रूट 37 सॉल्व करने का बोलूँ तो आप कर नहीं पाएंगे उसको, एंड इट विल बी इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक दिस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये रूट 37 होगा क्योंकि हम इसको किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ रूट 100 सॉल्व करें, तो ये 10 हो गया। तो दोनों ही मेथड से आपको पता ही है कि 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 इंटू 10 करेंगे तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों कैंसिल होते हैं। तो एक चीज़ तो ये होती है कि जो स्क्वायर रूट होता है वही होता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में कि हम जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन इन स्क्वायर रूट, जैसे दो नंबर का आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एड 3√2 प्लस 5√7, कैन यू एड बोथ नंबर्स, व्हाट विल बी दी आउटपुट हियर, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। हाँ, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि जब हम रूट के क्वेश्चन करेंगे तो जैसे रूट 2 को आपने क्या मान लिया, रूट 2 सपोज कितना है, x, और रूट 7 को आप मान लो x मान सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि x तो रूट 2 बन गया, तो इसको क्या मान लिया, वाई। तो ये ठीक उसी तरीके से हो गया 3x प्लस 5y। अब क्या इन दोनों को जोड़ पाएंगे हम कभी, नहीं, ये कल जो मैंने बताया था कि अनलाइक टर्म्स हो गई, इन द सेम वे यू कैन नॉट एड देम। ठीक है, तो अब जैसे मुझे रूट के क्वेश्चन को अगर करना होता है तो क्या होता है, रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं सॉल्व करूं, सो इट कैन बी लाइक दिस, इफ आई से यू टू एड 3√2 प्लस 7√2, कैन यू एड इट, विल गिव यू 10√2। इफ आई आस्क यू टू सॉल्व 7√2 माइनस 3√2, व्हाट यू विल गेट, विल गेट 4√2। इफ आई आस्क यू टू सॉल्व माइनस 7√2 माइनस 3√2, व्हाट विल गेट, माइनस 10√2। इज इट क्लियर? ठीक है, इफ आई आस्क यू टू मल्टी टू माइनस 10√2 प्लस 5√2 विल गिव यू माइनस 5√2। ठीक है, अच्छा, कैन यू से 10√2 इज इक्विवेलेंट टू 100 इंटू 2 इक्वल टू रूट 200? हो सकता है 10√2 कैन बी इक्वल टू रूट 200 और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। देखो रूट 200 को आप क्या करो, फैक्टर करो, 2 से गया 100 आया, 2 से गया 50 आया, 2 से गया 25 आया, सॉरी 5 से जाएगा, है ना, 5 से गया कितना आएगा, 5 से गया रूट 200 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना बना, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, और इसका क्या बना, ये दो पेयर है, ये दो पेयर है, बाहर आ जाएंगे तो क्या निकल के बाहर आएंगे, सेम हो गया, तो आइए बस समझ में, 4√2 क्या इसके इक्वल होगा,
मतलब आप बाहर वाले नंबर को स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो वो बाहर क्यों निकला रूट से, क्योंकि जरूर उसका पेयर बना होगा, कोई रूट से आजाद क्यों होता है, उसका पेयर बना है, तो चार का पेयर बना होगा अंदर, तो क्या होगा ये किस फॉर्म में होगा रूट के अंदर, चार इंटू चार, तो चार इंटू चार कितना हुआ और इंटू टू कितना हुआ, सही बात समझ, मतलब फोर रूट टू इज इक्विवेलेंट टू रूट थर्टी टू। ठीक उसी तरीके से ये माइनस को छोड़ दो, टेन रूट टू क्या होगा, अभी देख लिया माइनस रूट टू हंड्रेड, माइनस आगे लगा रहेगा, फाइव रूट टू किसके इक्वल रहेगा, माइनस रूट फिफ्टी, है ना, समझ में आई ना बात। ठीक उसी तरीके से ये तीन नंबर का बताओ ये किसके इक्वल रहेंगे, अगर मैंने आपको कहा सेवन रूट फाइव का आंसर कितना आएगा, इलेवन रूट टू का आंसर कितना आएगा, मतलब रूट ओवर 49 इंटू रेस्ट ऑफ दिस, यू हैव टू जस्ट डू द मल्टीप्लाई, 11 रूट टू इज इक्विवेलेंट टू 121 इंटू 2 एंड सो ऑन, आ रही ना बात समझ में। तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप मल्टीप्लाई करो, जैसे इन दोनों को ऐड करो, मैंने कहा 7 रूट टू प्लस 5 रूट, मैंने दो नंबर कहा रूट 49 इंटू टू, कैन यू ऐड रूट 98, सॉरी रूट 98 प्लस रूट ओवर 50, कैन यू ऐड दिस टू नंबर्स, नहीं कर सकते, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा फिर से। नाइन्टी एट का देखो क्या बन रहा है, रूट फिफ्टी का दैट मीन्स दैट रूट 98 कितना हो गया, तो सॉल्व हो गया, आ गया ना इसका आंसर, ये से क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे फिर, एनटीएससी की एग्जाम दोगे ना, तब ये सब चीज़ें आपको ये बेसिक बात है। हम तो उसको क्या करेंगे फिर, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन होगा जो आपकी एक सोच को पकड़ेगा, वो गलत सोच रहेगी, तो आप इसका आंसर क्या टिक कर दोगे फिर, कुछ रॉन्ग वाला टिक कर दोगे, है ना, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे प्लस हो माइनस हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूट की चीज़ समझ में आ गई कि रूट में भी क्या होता है, जैसे लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सिमिलरली रूट में भी लाइक रूट्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड प्रोवाइडेड दे शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे रूट 98 है तो इसको आप और तोड़ दो कि कितना और टूट सकता है, आई बात समझ में। अच्छा अब ये हमने देखा एडिशन, नाउ वी मूव ऑन टू दी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू दी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। तो मल्टीप्लीकेशन देखें हम, मल्टीप्लीकेशन का रूट सिंपल होता है कि इफ आई नीड टू मल्टीप्लाई 7 रूट 2 प्लस 11 रूट 3, सॉरी इंटू 11 रूट 3। मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि बाहर वाला मल्टीप्लाई बाहर से होगा और अंदर वाला मल्टीप्लाई अंदर से। इसका मतलब ये हुआ कि 7 इंटू 11 हो गया 7 टू 7 इंटू रूट 6 हो गया, आई बात समझ में। जैसा मैंने आपको बताया था कि साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगा, ठीक उसी तरीके से साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा और रूट में बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाहर वाले से होगा और अंदर वाले मल्टीप्लाई का नंबर अंदर वाले से होगा और रूट होगा तो वापस से रूट हम वापस से उसको लगा देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा, 11 रूट 2 इंटू 17 रूट 2 का 187। देखो 11 इंटू 7 इंटू रूट के अंदर होगा रूट 2 इंटू 2, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, और रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया,
हाँ मतलब टू ही हो गया ना, दोनों पेयर बन गया, मतलब टू आ गया, रूट से कट हो गया, तो कितना आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 11 इंटू 17 इंटू, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस माइनस 17 रूट 11 इंटू 12 रूट 12, माइनस 17 इंटू 12 इंटू इंटू 12, ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा माइनस 17 इंटू 12 अंडर रूट 11 इंटू 12, नाउ यू कैन फर्दर मल्टीप्लाई दिस, बट आंसर किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। नाउ इन द सेम वे इफ आई आस्क यू टू मल्टीप्लाई माइनस 2 रूट 5 इंटू माइनस 7 रूट 6, ठीक है, बात क्लियर हो गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, बाहर वाले का बाहर से, अंदर वाले का अंदर से, और रूट की जगह से रूट आ जाएगा, तो बहुत आसान से रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने एडिशन समझ लिया और मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, अब बारी आती है रेशनलाइजेशन की, ठीक है, रेशनलाइजेशन 9th में आपने किया होगा, हाँ, तो रेशनलाइजेशन देखते हैं हम, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, यू नीड टू सिंप्लीफाई दी नंबर्स गिवन इन रूट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड टू द गिवन नंबर, दिस इज सपोज इफ आई आस्क यू टू रेशनलाइज दिस 1 + √7, व्हाट यू डू, या रेशनलाइजेशन दो तरीके से होता है, या तो आप न्यूमरेटर से भी रेशनलाइज कर सकते हैं या डिनोमेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ डिनोमेटर को रेशनलाइज क्यों नहीं कर सकते हैं, सॉरी न्यूमरेटर को भी, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड भी कर सकते थे हम इसे, पर डिनोमेटर में रूट की टर्म है तो डिनोमेटर से हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो डिनोमेटर के जो बीच वाला साइन होता है उसको हमने बदल दिया, तो प्लस का क्या चेंज हो गया, ये माइनस में चेंज हो गया, ठीक है ना, तो नीचे भी वही होगा 1 - √7। इसका रूल अब ये होता है कि ये a+b और a-b को फॉलो करता है, a+b और a-b की आइडेंटिटी होती है a+b = a² - b², तो ये सॉल्व होने के कारण क्या होता है, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई में 3 √1 - 7 डिवाइडेड बाय a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 - 7, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, तो 3 1 - √7 डिवाइडेड बाय -6, 3 1 = 3, 3 2 = तो यहाँ पे आ गया 1 - √7 अपॉन में विथ माइनस का 2, यू कैन फर्दर मल्टीप्लाई माइनस ऊपर, तो क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ से नीचे से हट के √7 - 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी जो नंबर होता है वो क्या हो गया, माइनस का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे हो, नीचे हो, आप उसको ऊपर भी ले जा सकते हो, देखो -1/2 इज इक्विवेलेंट टू 1 - √2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू -1/2, मतलब -1/2 लिखो या फिर 1/-2 लिखो या फिर माइनस बीच में लगा के 1/2 लिखो, ये तीनों क्या है, सेम है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, हम हमेशा माइनस कहाँ लगाएंगे, वी विल पुट ऑलवेज माइनस एट द टॉप, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, अब मुझे इसको रेशनलाइज करके बताइए आप, क्या आएगा, रेशनलाइज दिस,
नहीं आ रहा। कुछ प्रॉब्लम? क्यों? सेवन का मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन थ्री सा 21, सेवन का रूट टू, अच्छा नीचे में थ्री सीजन, नाइन माइनस फोर, हाँ नाइन माइनस टू सेवन आएगा ना, हाँ यार सेवन आएगा, बाकी सेम आ रहा सही, टेन रूट टू प्लस 23 अपॉन में सेवन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन किससे किया, डिनोमिनेटर से। कैन यू रेशनलाइज इट बाय न्यूमरेटर? न्यूमरेटर से रेशनलाइजेशन भी होता है तो क्या हो जाएगा, सेवन प्लस रूट टू इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय न्यूमरेटर, हम क्या करेंगे सेवन माइनस रूट टू का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेवन माइनस रूट टू का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो एक मैथ्स है, मैथ्स में तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, देखो ये दोनों कट रहे हैं आपस में, तो नंबर तो आपका एज इट इज था जो गिवन था, तो यू कैन मल्टीप्लाई अदर बाय सेम नंबर, कोई सा भी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सेवन प्लस रूट टू अपॉन में थ्री माइनस रूट टू का अपनी इच्छा से थ्री माइनस रूट सेवन अपॉन में थ्री माइनस रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये नंबर आपस में कट रहे हैं। अब वो बात अलग है कि आप इसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स बना लोगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करके एक नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट वो नंबर किसके इक्विवेलेंट रहेगा, गिवन क्वेश्चन के ही इक्वल रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि वो तो सब मैथ्स है, मैथ्स में तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो इसको भी आप कर सकते हो जो मैंने काटा हुआ अभी, यू कैन रेशनलाइज इट, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन का पार्ट हो गया आपका, एक बेसिक एक कवर हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया इसका, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ें आती है नेक्स्ट आता है वो, और कोई सा ऐसा पार्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है? फैक्टराइजेशन वैसे आपको नाइन्थ में आएगा, सॉरी आगे आएगा, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ फैक्टराइजेशन करना, आई प्रिपेयर यू बिफोर इट कम्स टू अस, ठीक है। फैक्टराइजेशन बहुत ईजी होता है, इसको एक केवल एक हम लोगों ने क्या बना रखा है, खबा बना रखा है। देखो फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको सीखना होगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 2x-3 और 7x+1, मैं आंसर से चलता हूँ उल्टा, ये एक फैक्टर है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई हो गया 7x+1 में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, फैक्टराइजेशन, तो 2x का मल्टीप्लाई 7x-1, 7x+1 और -3 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 7x+1 में किया, तो ये कितना हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, तो 14x² + 2x-7 = 21x - 3, तो कितना आ गया 14x² - 3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अभी समझाने के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैं इस पे आता हूँ। इसका फैक्टर करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इजी ले लेता हूँ। सपोज मैंने आपको लिया है x+3 एंड x-8, इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, x का x-8 से करेंगे प्लस 3 का x-8 से करेंगे, तो x²-8x + 3x - 24, तो ये हो गया x²-5x - 24। आई बात समझ में? अब मुझे इस नंबर का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो वो निकलना क्या चाहिए, ये निकलना चाहिए, क्यों? क्योंकि नंबर ही मैंने वो लिया, उसका ही लिया, तो वही आना चाहिए। फैक्टराइजेशन का रूल ये होता है कि सबसे पहले आप x² की टर्म आएगी, फिर x की टर्म आएगी, फिर कौन सी टर्म आएगी, कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब जिसकी कुछ नंबर है, मतलब उसकी टर्म, ठीक है। ये सबसे पहले सिक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 24, माइनस माइनस साइन छोड़ दो, हम केवल नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 24 कितना हो गया, 24 के कितने फैक्टर कर सकते हो, जितने सोच सकते हो सोचो, 12 × 2 = 24 हो गया, 3 × 8 = 24 हो गया,
6 इंटू 4 भी 24 हो गया, 1 इंटू 24 भी 24 हो गया, वो तो ऑलरेडी था ही ऊपर, फिर भी आपको जितने पॉसिबल फैक्टर से सब लिख लो लाइन्स। आई बात समझ में? अब जो फैक्टर है उन दोनों को जोड़ के देखो और घटा के देखो, 12 और 2 कितने होते हैं, क्या वो बीच वाली टर्म है, क्या वो 5 है, नहीं। 12 माइनस 2 कितना होता है, हाँ मतलब ये आपने पकड़ लिया 3 और 8 से हो गया। अब 3 और 8 में हमें x लगाना होगा क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म का साइन भी आए, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस, हमारी बात समझ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24 नहीं लिख सकते थे, हाँ क्योंकि दिक्कत क्या आ जाती, यहाँ प्लस 5x होता तो हमें क्या चाहिए, अभी माइनस का 5x था तो आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, क्योंकि अभी तो मुझे किसका साथ चाहिए, माइनस के साथ का चाहिए, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख पाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो दिस इज रॉन्ग। अब आपको क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर पहले 3x लिखे बाद में माइनस 8x लिखे कि पहले माइनस 8x लिखे 3x लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इच्छा हो पहले लिख दो, मैं दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। एक तरीका तो हमने ये लिख के देखा, अब दूसरा तरीका हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x पहले लिख लेंगे, माइनस 8x बाद में लिख लेंगे, माइनस 24 लिख लेंगे। देखो अब यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, अब इसके बाद क्या होता है, दो ग्रुप कर दो, एक ग्रुप ये बना लो और एक ग्रुप क्या कर लो, हाँ इसमें से दोनों ग्रुप में क्या, पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, इसको ग्रुप नंबर 1 दे दो, इसको ग्रुप नंबर, इसमें x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 8, ये सेम x माइनस 8 अगले में से भी कॉमन आना चाहिए, 3 कॉमन ले लिया, तो देखो ऑटोमेटिकली x माइनस 8 आ गया, हाँ तो ये x माइनस 8 और x प्लस 3 आ गया जो ऊपर भी आ रहा है। भाई मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 तो सेम बात होती है ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अब ऊपर वाला एग्जैक्ट चाहिए तो वो इससे आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा कि x माइनस 8 की ब्रैकेट ना बनते हुए ये ब्रैकेट किसका बना देगा, x प्लस 3 का बना देगा, है ना, मतलब ग्रुपिंग करो तो ये एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। अब माइनस में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यहाँ तो कॉमन दिख रहा है x, तो ये कितना आ रहा है x प्लस 3 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, माइनस। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, अब ब्रैकेट में क्या बाहर आ गया माइनस के बाद, एट, अंदर के साइन क्या हो जाते हैं माइनस के कारण, चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3, एज सिंपल एज दैट। देखो अब यहाँ पे x प्लस 3 ये का ये x प्लस 3 है, तो क्या ब्रैकेट बन गया, x प्लस 3 एंड x माइनस 8, आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अभी डिफिकल्ट पड़ेगा। अब आप इसको देख सकते हो, जैसे अगर मैंने लिया 14x स्क्वायर माइनस ये, तो रूल क्या हो रहा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42, ठीक है। अब इस 42 के जितने भी फैक्टर सोच सकते हो सब सोचो, एक तो खुद हो गया 14 इंटू 3, है ना, और क्या हो गया 7 इंटू 6 भी तो 42 होता है, और 42 इंटू 1 भी 42 होता है, और क्या हो गया, अभी भी देखो इन सब कॉम्बिनेशन से 19 नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब कोई फैक्टर हमारा छूट रहा है, क्या हो सकता है, देखो कभी भी आपको पता करना होता है ना, तो क्या होता है आप 42 का क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो पूरा, तो कितना आ गया 221, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा 37 का, और ये कितना हो गया, तो फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू
सेवन हाँ, तो अब इसके बदल बदल के फैक्टर कर लो कि पहले इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो कितना हो गया 2 × 21, फिर इन दोनों को ले लिया तो कितना हो गया 6 × 7, फिर इन दोनों को ले लिया तो 14 × 3 आएगा ना समझ में। तो सबके कॉमन फैक्टर हमेशा 1 तो रहते ही है, तो 1 को भी कई बार भूलना नहीं, कई बार हम 1 छोड़ देते हैं, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया 21 × 2 करने पर क्या मिल रहा है हमें। देखो अब यहाँ पे प्लेस करके देखें क्या लगा, 14x² माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ा मुझे क्या चाहिए नंबर, तभी तो माइनस मिलेगा, हम स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को, इसको हम क्या बोलते हैं टेंथ में आपको आएगा, आपको अगर स्कूल में शुरू हो गया है कि पॉलीनोमियल, तो उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम बोलते हैं इसको, इसी को ही बोलते हैं आपको क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये चीज़ समझ में आ गई तो रूट वाले हो या कोई भी क्वेश्चन है आप सब कर लोगे, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये कितना होगा -21 +2x माइनस का 3, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख पड़ रहा है, x तो दिख रहा है और साथ में मुझे लग रहा है 7 भी आ रहा है, तो 7x आ गया, तो कितना हो गया 7 × 2 = 2x - 3 और प्लस ये जैसा ब्रैकेट यही बनना चाहिए, तो 1 कॉमन ले सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ कॉमन लेने की, ऑटोमेटिक ये ब्रैकेट बन गया है। अब इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ गया और 7x + 1 आ गया, देखो आ गया आपका आंसर ऊपर वाला, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब वैसे तो वो अपन चैप्टर में आएंगे तो बात करेंगे, पर मैं आपको फिर भी आपने पूछा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मैं बता देता हूँ। जब वो कराया तो समझ में तो आ गया था, लेकिन जब क्वेश्चन करवा, चलो मैं बता देता हूँ अभी, वैसे इट इज़ नॉट दी, हम लोग जैसे बेसिक पे कर रहे थे तो मैंने बेसिक बताते बताते आप जो पूछ रहे हो वो बताना मैंने चालू कर दिया, वैसे तो मुझे पहला चैप्टर बताना है बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं हम, आपको वो मैथ की बुक दे दूँ, हाँ एक आइडेंटिटी बनाते हैं, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ, हाँ अभी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने क्या किया अभी x² - 5x - 24 स्टॉप हो गया, इसको कनेक्ट कर लो, हाँ ये लाइव इस पर जाके ओके करो, +3 DQ3E9 नहीं बुक दीजिए मैस की, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना इसमें, इसके बाद तो बहुत सी चीज़ें हैं, डिवीजन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जीरोस, देखो ये तो क्या है अभी इसके आईडी के क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत सारी है कि ओके करके फिर से वो कर दो, हम्म।